अभी पंडित जी ने योगासन करवाए थे, क्या शुभ नाम है सर आपका? प्रसाद अग्रवाल है, पंडित जी नहीं हूँ मैं। नहीं तो मैं तो तिलक देख के ही बोल गया। ये तो सनातन और उसकी पहचान है सर। बिल्कुल बिल्कुल, हर सनातनी को की पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल, होना भी चाहिए। हमारे तो एक बार ही तिलक निकला था शादी के बाद, क्योंकि मैंने मजाक कर दिया। मेरे साथ मेरे दादाजी भी गए थे, तो उनका ललाट थोड़ा सा बड़ा था जी, यूं कह सकते हैं पलाट ही था। और वो तो यूं ही बाल झड़ते रहे, तो थोड़े दिन में वो जेडी अप्रूव्ड भी हो जाता। फिर लास्ट में क्या होती, बालों की चार दीवारी रह जाती है, बीच बीच में ये छोड़ जाता है। मैं दूर जाऊं कैसे, ये इससे ज्यादा नहीं बोलता है। अच्छा ठीक, अब आवाज आ रही है? आवाज ही फट रही है सब, और थोड़ी। हेलो हेलो, अब क्या आ रही है? देखो आओ ची मत आओ, शादी के बाद इतनी निकल पाए। एक बार तालियों की जोरदार निकाल दो जी। मुझे लगा हमारे माइक में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो यहाँ थी। ना ना, सही बात है, बिल्कुल फिर चली जाती है ना। शादी की प्रॉब्लम है आपकी? ना ना, इसमें कनेक्शन लूज है जी। और ये जेब। अच्छा अच्छा, चलो वैसे ही बोल देता हूँ, है ना। नहीं मैं घूमता घूमता सही रहेगा। चलो कॉलर की लगाने, कॉल रख थोड़ी लगानी। सर मूछें बड़ी अच्छी हैं आपकी, थोड़ी सी और पहनी कर देते तो गूदड़ी में ताके डाल लो चाहिए। जोरदार ताले बजाओ सर के लिए। थोड़ी देर ऐसे ही हंसाऊंगा, बुरा मत मानना सर, बुरा थोड़ी मानोगे। अच्छा अच्छा, कोठारी साहब तो बुरा नहीं मानेंगे, और मानने तो मान जाना मेरे करके लोगे आप। जोरदार ताली बजा दो सर के लिए भाई, इन्होंने गलती करी है बुला के हंसाने के लिए। चलो बहुत है, एक बात है, ये जो खेमा है बहुत ज्यादा तेज हंसता है, इनको अलग से ट्रेनिंग है क्या? जोरदार ताली बजाओ भाई इनके लिए। अच्छा ताले किसी से नहीं बज रही हो ना, तो ऐसा करना, आप उस हथेली में उस आदमी की फोटो देखो जिसने आपकी शादी कराई थी, फिर जोरदार बजेगा। आप वीडियो किसका बना रहे हो इतनी जोर से? समझ ही नहीं आ रहा है ना। बहुत बढ़िया, तो कतई टेंशन मत लो जी, आप बिल्कुल ऐसे फुर्सत के क्षणों में हंसने के लिए आए हो, वरना तो माहौल बहुत बुरा है कोठारी जी। सेठ जी ऐसा माहौल है कि हम दो, हमारे दो माँ बाप को बाहर फेंक दो। पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो चार का योगी आएगा, और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। ताली कमजोर है ना अच्छी बात के लिए। हंसी मजाक जरूरी है सब, हंसी मजाक गायब होता जा रहा है कि बंजर है जीवन, उगानी है फसलें, हास्य की दुनिया में थोड़ा सा धस लें, कुछ तो निभाएं कर्तव्य अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा तो हंस लें, थोड़ा तो। और योगासन में तो बहुत ही अच्छा रहता है अनुलोम प्रतिलोम, पर जिसके जुकाम जुकूम हो रही हो ना वो मत करना, इज्जत खराब हो जाएगी। और ये इतनी जोर जोर से करवाते हैं कि किसी के दस्त हो रहे हो ना और पतले हो रहे हो तो फिर दिक्कत और भी ज्यादा हो जाएगी। जोरदार ताली बजाओ सर के लिए। इतना बढ़िया ट्रेनर मैंने नहीं देखा है सर, आप तो प्रवचन शुरू कर दो आजकल, बहुत स्कोप है इसमें। इतना मीठे मीठे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बहुत अच्छा है, हर एक नहीं कर पा रहा है ऐसे। बहुत दिक्कत आ रही है, घर के बाहर लोग लिखवा देते हैं मात्र छाया, वो छाया मात्र मकान होते हैं, क्योंकि उसमें बूढ़े बुजुर्ग की कोई खास इज्जत नहीं होती है। कई बार लिखवाएंगे इंद्र लोक, और अंदर पिताजी लोक मिलते हैं। और एक मेरे चाचा है जगदेव सिंह नाम है उनका, लेकिन घर के बाहर लिखवा रखा जग निवास। भगवान का सब, मैं 2 घंटे बैठ के आगे मुझे पानी का गिलास भी नहीं मिला।
और लोग लिखवाते हैं बीवी के नाम पर वीला, माँ बाप का बैंक बैलेंस ढीला का ढीला। हालात ऐसे ही है सर, जयपुर में रह रहे हैं, जयपुर में तो हॉस्पिटलों के नाम भी शानदार हैं। कुर्सियां और लगा दो, मैं एक लगाऊंगा और तुम कुछ मत करना। सर जयपुर के हॉस्पिटलों पे बहुत शानदार ह्यूमर है, देखो मैं बताता हूँ। हॉस्पिटल का अर्थ कोई बता सकता है आप में से? जब अपने हॉस्पिटल लगते हैं तो अपन हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, जब अस्पताल में पहुंच जाती है तो अपन अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही लिखा मिलता है आपातकाल या इमरजेंसी, इसका मतलब है आप आते हैं काल के पास, या अमर होने जैसी कोई चीज नहीं। और आप तो लग भी मुझे ऐसे लग रहे हो जैसे मेडिकल स्टाफ ही बैठे। अच्छा जाते ही हॉस्पिटल में देखना किसी में भी लिखा मिलेगा आईसीयू, क्या लिखा रहता है आईसीयू, इसका मतलब आई विल सी यू। जोर से हंसो, आईसीयू का मतलब है आई विल सी यू, तेरे नई गोदड़े बिकवा दिए। और लिखा रहेगा आपातकाल या इमरजेंसी, इसका मतलब है आप आते हैं काल के पास, या अमर होने जैसी कोई चीज दी है। और शानदार शानदार नाम है धनवंतरी, धनवन हो गया तो तर जाएगा, नहीं तो संतरी रोक लेगा। उसके बगल में एक हॉस्पिटल है जेके लोन, बच्चों का इलाज कराएगा, जाके लोन ले, वरना साढ़े लोन में दम तोड़ देगा तू। और शानदार शानदार नाम है जैसे उसके बगल में दुर्लभ जी, इसका मतलब लाभ दूर, भंडार का मतलब है भंडार भी ही बोल जाएगा, सोने का मतलब नींद ही नहीं आएगी, एक बार इलाज करा ले। और सबसे शानदार नाम है फोर्टिस एस्कॉर्ट, यानी कि एस करनी है तो 40 तक कर ले, बाद में तेरे शुगर बीपी हम नहीं नापड़े, और उससे भी काम नहीं चलेगा तो फिर आसन करने पड़ेगा। जोरदार तालियां बजा दो, एक बार तालियां, फिर कमजोर है आपकी। और सबसे शानदार नाम है कांवटिया, कांवटिया का मतलब है तुक्का बंट गया तेरे बाप को पता। तो ये सब ह्यूमर करते हैं, सब हंसी मजाक का काम करते हैं। मैं पुलिस में ट्रैफिक में अवेयरनेस का करता हूं, तो मेरे वीडियो किस किस ने देखे हैं रोड पे, मैं हंसाता रहता हूं। एक बार किसी ने देखे होंगे, कई लोगों ने, जो नहीं देखे वो देख लेना, बहुत सारे ट्रेंडिंग वीडियो चलते हैं मेरे, है ना। तो उसमें मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, बेटे तेज नहीं चलाते, कई बच्चे ऋतिक रोशन बनते हैं जी, धूम मचा ले, फिर गोडे टूटती मम्मी बचा ले। अच्छा यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, रीढ़ की हड्डी टूट गई तो भगवान उठा ले, भगवान कहेगा कि मैं तो आसन कर रहा हूं तू ऐसे ही चला ले। अच्छा देखो भगवान तो मैं भी हूं सर, सर योगा सर, भगवान तो मैं भी हूं जी, और मैं सिद्ध कर दूंगा मैं भगवान क्यों हूं, क्योंकि मैं जब भी ससुराल जाता हूं मेरे सास यूं हाथ मार के कहती है भगवान तू फिर आ गया। और सबसे ज्यादा जमीन से जुड़ा मैं हूं जी, कोई नहीं है इतना, सबसे ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ पता क्यों हूं बहन जी मैं, कोई भी बड़ा नेता भी नहीं होगा, कितना भी तगड़ा आदमी नहीं होगा, मैं इसलिए हूं क्योंकि मेरी दादी का नाम मूली देवी है। और गजब तो यह है कि दादा का नाम आलू राव है। हंसने चाहिए, हंसते हंसते जयपुर में आप सबने देखे, ज्यादातर उन अनुभवों को मैं देख रहा हूं जिन्होंने देखी है जयपुर की विकास। तो जयपुर में जमीनों के भाव बहुत तेजी से बढ़े, तब मैं एक छोटी कविता भी सुना देता हूं आपको, कि मेरे साथ बोले कि जो जमीन तेज बोला सर, जितनी जोर से हा हा कर रहे थे तो तेज बोलेंगे, जो जमीन मिलती थी सैकड़ों में उसका भाव कई हजार हो गया है, जो रह गया करके फेर में वो तो ठन ठन गोपाल मेरे यार रह गया है, और जो ना डरा और ले मरा थोड़ी सी जमीनी शहर में वो तो जमींदार मेरे यार हो गया है,
और इस जमींदार ने मारे हैं, कितनों के हक धिक्कार हो गया है। हंसी की बात तो अब आगे, घर घर में प्रॉपर्टी के दलाल हो गए हैं, समझो 2% तो आपके हलाल हो गए हैं। ये अपने बाप को भी प्लाट दिलाएंगे तो 2% तो खाएंगे ही खाएंगे। ऊपर नीचे से कितना डकार जाएंगे, जब डैडी को नहीं बताते तो आपको क्या बताए। अच्छा सबसे शानदार काम क्या हुआ कि जिसने नहीं देखी थी लिफ्ट उसके घर भी खड़ी है स्विफ्ट, और जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया वो भी मेंटेन करता है स्कॉर्पियो। और सबसे शानदार लाइन है साहब कि बुढ़ा भी जवान हो गया है, बुढ़ा भी जवान हो गया है, जब से उसकी जमीन का भाव आसमान हो गया है, इस जमीन के भाव की बात बड़ी निराली है। अरे जेब भले ही भर गई नोटों से, पर जेब के नीचे का दिल आज भी खाली है, आज भी खाली है, आज भी। अब बेटियों की संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है तो 2 लाइनें तुम्हारे जोश के लिए कहता हूं बहन जी, कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, बोलो मेरे साथ, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू, दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। तो बेटियों की समस्या बहुत ज्यादा है, हंसी दिवस पे उन समस्याओं को थोड़ा सा बताते हुए फिर आगे बताता हूँ कि घट रही है बेटियां अब तो भाई कोक में, क्या कमी रही भला आदमी और जोंक में, मर रही है बच्चियां कुपोषण और भूख से, भावना तो सुनने हैं खड़े हैं मानव रोग से, जल रही है दुल्हने दहेज के नाम पर, खुद के घर में बेटियां फिर भी नजरे दाम पर, बिक रही हैं औरतें गरीब चाहे त्रस्त है, पैसों की अंधी दौड़ में हर एक बंदा मस्त है, वृद्ध माँ कोने में दुनिया मस्त सोने में, अरे सोई पी के जाम है उन्हीं के आज नाम है, उन्हीं के आज नाम है, उन्हीं के आज। और जिनको जिम्मेदारी सौंपी थी ना, ठग रहे हैं महात्मा बेचकर महानता, कर रहे हैं दावे रोज लाएंगे समानता, लाएंगे समानता तो काला धन मिलाएंगे, पहले करे वादा आप चमन प्रास बाबा जी का खाएंगे। बहुत खुश रहना चाहिए साहब, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि हर तरफ लटकते चेहरे हैं, न जाने राज कितने गहरे हैं, मिलके चल नहीं पाते हैं 2 कदम, फिर भी जाने क्यों कदम कदम पे पहरे हैं, और कोई सुनता नहीं है तेरे राज में, क्या सारे के सारे बहरे हैं, मत मायूस हो दुनिया की रंगीनियों को देखकर, ये दौलत के फसाने हैं जो ना तेरे हैं। क्या बात है, जोरदार ताली बजती है, आप सब शानदार लोग हैं, और आज आपने मुझे बुलाया तो मुझे लगा कि मैं अपने घर ही आ गया, क्योंकि पहले मैं इधर ही किराए पे रहता था, अब जगतपुरा शिफ्ट हो गया हूं। तो आज हमने आनंद जी पोदार ने बुलाया था, वो खुद के वायरल हो गया, उनको बुखार हो गया, बोले मैं तो बुखार है प्रदीप जी से मिलो, है ना, लेकिन वायरल वायरल ठीक नहीं है जी, मेरे भी बहुत सारे वीडियो वायरल है, तो मेरी मम्मी बोली बेटा वायरल 7 दिन लगाएगा बेटा, गोली टाइम से ले लेना, सोशल मीडिया को इतना खतरनाक हो गए, बच्चे भी सारे दुनिया लगे रहते हैं, बहन जी मेरी गुड़िया ऐसी लगी रहती है जान बाबा बीड़ी पी रहे हो ना, ऐसी फोटो लेते हैं, गर्दन टेढ़ी हो जाएगी उनकी, 100 दिन लगाएंगे, अंगूठा घिसते रहेंगे, इनकी रजिस्ट्री किससे कराएंगे मेरे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अपना जो कमिटमेंट है वो यही है कि हमें हंसती मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, फोटो पे ऐसी रवानी चाहिए कि पूरी दुनिया आपकी हो सकती है, बस अपनी सेहत की मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच।